बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के बिलावर एरिया से सामने आ रही है, जहां पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ले जाने वाला जो एस्कॉर्ट व्हीकल था उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूँ साक्षी साहनी। एक बड़ी अपडेट जो है वो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। देखिए, बात हो रही है पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इस तरह वीवीआईपी का जब भी कहीं जाने का कोई प्रोग्राम बनता है और वो कहीं जाते हैं तो उनके जाने का जो अरेंजमेंट होता है वो यूं ही नहीं होता कि गाड़ी निकाली और चल पड़े। वो जब भी जाते हैं तो हमेशा अपने एस्कॉर्ट्स के साथ जाते हैं, अपने काफिले के साथ ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कहानी जो है वो बयान करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग की ये बात है जब ये एडवांस पार्टी जो है जिसमें 10 लोग थे और इसमें F/220 बटालियन जो था जिनको कमांड दिया गया था सतीश कुमार की तरफ से, ये लोग प्रीत नगर से निकलते हैं जो कि गंग्याल कैंप में पड़ता है, वहां से वो लोग निकलते हैं सुबह के 3:28 पर ये वहां से निकले। और फिर उसके बाद ये जा रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को एस्कॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बिलावर में उनकी एक पब्लिक रैली जो है वो होने वाली थी और पब्लिक मीटिंग जो है वो होने वाली थी। सुबह के लगभग 6:35 की ये बात है जब एस्कॉर्ट नंबर 2 की जो गाड़ी थी उसके जो कि इनोवा की गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी, और उस इनोवा गाड़ी में क्या होता है कि अगला जो टायर है वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि अगला टायर जो है वो फट जाता है। अब अचानक से किसी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई हो और ऐसे में उसका टायर बर्स्ट हो जाए या टायर फट जाए तो ऐसे में उस गाड़ी का बैलेंस जो है वो बुरी तरह से खराब हो जाता है। और कुछ इसी तरह वहां पर भी हुआ, उस गाड़ी का बैलेंस जो है वो बुरी तरह से खराब हो गया और गाड़ी का बैलेंस बुरी तरह से खराब होने की वजह से गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि उसमें 4 पर्सनल जो थे वो मौजूद थे, नाम उनके जो है वो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। जयवीर सिंह, दूसरा नाम है युद्धवीर सिंह, तीसरा नाम जो है वो सुरेश पाटिल जी का है और चौथा नाम और आखिरी नाम जो है वो मोहिंदर सिंह जी का है। इन सबको कुछ माइनर इंजरीज जो है वो आई हुई है, जिसके हिसाब और डेटा की अगर मैं बात करूँ तो डेटा के हिसाब से कहा जा रहा है कि उनके फिंगर्स में और हाथों में कुछ माइनर इंजरीज जो है वो आई हुई है। फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, ड्रेसिंग जो है वो भी उन्हें प्रोवाइड कर दी गई है और ये सब कुछ जब उन्हें प्रोवाइड किया गया तो वो फिलहाल उन्हें बिलावर जो है वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये सारी फर्स्ट एड सुविधाएं जो हैं वो दी गई। उसके अलावा एक तस्वीर जो है वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा मैं साझा करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये गाड़ी की हालत जो है, इसका फ्रंट जो आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी फ्रंट की हालत जो है वो खराब हो चुकी है इस गाड़ी के फ्रंट की। हालांकि इस बात का आप शुक्र मना सकते हैं या फिर इसको ऊपर वाले की दया कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए इसमें किसी को भी जान की कोई हानि जो है वो नहीं हुई है। 4 पर्सनल इसमें मौजूद थे, चारों के नाम हमने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से आपको नाम जो है वो बता देती हूँ। पहला नाम है जयवीर सिंह, दूसरा नाम युद्धवीर सिंह का है, तीसरा सुरेश पाटिल और चौथा मोहिंदर सिंह। ये 4 लोग उस वक्त इस वाहन में सवार थे। एस्कॉर्ट नंबर 2 की गाड़ी थी और इनोवा गाड़ी थी जिसका फ्रंट टायर जो है वो बर्स्ट हो गया, यानी फट गया। फ्रंट टायर के बर्स्ट होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। चलिए, गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और जो एक्सीडेंट हुआ ये तो एक बात रही, पर बड़ी बात यह है कि कहीं जान मान की जो हानि हो सकती थी वो जान मान की हानि नहीं हुई है, यानी कि सब सुरक्षित हैं। फिलहाल के लिए जो छोटी मोटी इंजरीज उन्हें आई हैं उसके लिए उन्हें बिलावर में ले जाया गया और बिलावर में वहां का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर उन्हें फर्स्ट एड और ड्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हुई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट। नमस्कार।